तापसी पन्नू और टीम ने लॉन्च किया फिल्म मुल्क का ट्रेलर। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर और तापसी पन्नू की फिल्म मुल्क का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर की शुरुआत एक अजान के साथ होती है जिसे सुनकर ही आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुल्क एक ऐसे परिवार की कहानी है जिस पर देशद्रोही होने का आरोप लगा है और वो परिवार ये साबित करता है कि वो देशद्रोही नहीं बल्कि देश प्रेमी है। बन के इतने सारे हमारे देश में मंदिर है जहाँ पे महिलाओं को घुसने की इजाज़त नहीं है, महिलाओं को मूर्ति छूने की इजाज़त नहीं है, ट्रस्ट पैसों के साथ घोटाला करते हैं, तो एक और मंदिर हम बना लेंगे तो कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे। वो ऐसे कबीर ने कहा है, बनारस के रहने वाले थे, कि कस्तूरी कुंडल बसे मरक ढूंढे मन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। हिरन के नेवल में एक खुशबू होती है और हिरन को पता नहीं होता वो कहाँ है, तो वो जंगल में भाग भाग के ढूंढता रहता है खुशबू कहाँ से आ रही है। वैसे ही एक मंदिर है जो हमारे अंदर बन सकता है, जिसको बनाने में हम कभी इंटरेस्टेड नहीं रहते, हमको अयोध्या का मंदिर चाहिए। दूसरी घटना उस दौर में हुई जब कश्मीर में बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को मार के वहाँ से निकाला गया, एक्सोडस हुआ। वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुआ उस समय, आज उसका बहुत जिक्र होता है। वो रिपोर्ट ज़्यादा इसलिए नहीं हुआ कि उस ज़माने में टीवी नहीं था, अखबार बहुत गिने चुने थे, ऑब्वियसली इंटरनेट नहीं था, और उस ज़माने में अखबार की जो सुर्खियां थीं वो रथ यात्रा ने ले रखी थी, तो हज़ारों की तादाद में वहां से हिंदू पंडित डिस्प्लेस हुए, आज भी डिस्प्लेस्ड हैं, रिफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं। और कितनी भी सरकारें आ गई 92 से लेकर आज तक, आपको संभालो में किसी सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। एंड ऑफ द डे व्हाट आई वांट टू से इज, सो ये 92-93 हो गया, फिर ये सिलसिला ख़त्म हो गया। 93 में बम्बई में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, वो उसका पूरा केस जो चला वो चला, आप देख ही रहे हैं। 2002 तक एक बड़ा कांड हुआ गुजरात में, जिसके बाद शांति हो गई थी, हिंदू मुसलमानों ने डिसाइड कर लिया था भाई जिंदगी इज वे टफर देन दिस कॉन्फ्लिक्ट, सो दे स्टार्टेड डीलिंग विद लाइफ। बट पास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज़ चेंज्ड अगेन, इट इज़ टेकन अ न्यू फॉर्म, एंड यू नो every phase that I have talked about, every phase has seen a film.